हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT DXG। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छे हैं? उम्मीद है जी खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस भी हिस्से में होंगे। और क्योंकि हम अपने चैनल पे एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, इमोशंस इसलिए लेके आते हैं कि भाई दुनिया में बड़े मसले हैं, तो उन मसलों से ध्यान हटाना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी। तो ये काम हम करते रहेंगे। और आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी BTS DNA ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो। तो इसकी लाइव परफॉर्मेंस पे अगर रिक्वेस्ट आई तो वो भी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले ऑफिशियल वीडियो देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें जी आगे बढ़ने से पहले। हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है हमेशा आपसे, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शंस बढ़ती हैं तो हमें हमारी रीच बढ़ती है चैनल की, और हमें जो वैरायटी ऑफ कंटेंट है वो ज़्यादा सजेशंस में मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 इन गो। बिग हिट म्यूजिक होने वाला है, बिग हिट म्यूजिक। June 17, 14, 9 हमारी सिटी तो फुल राउंड करने पे बनती है। Bye.
हो गया। मैं तो समझा कि ये जो एकदम से वो बीट ड्रॉप हुई है तो शायद इसके बाद मजीद कोई शिफ्ट आएगा। कोई बात नहीं, हम दोबारा सुन लेंगे लूप पे, इसमें क्या है, हम हमारा कौन सा कुछ जा रहे हैं। हम बार बार सुनेंगे उसकी, दोबारा सुनने की एक और वजह भी होती है जी, क्योंकि कुछ BTS के सॉन्ग्स जो है ना वो थोड़े फास्ट होते हैं। अब मैं क्योंकि जो है ना मेरा फोकस ज़्यादा लिरिक्स की तरफ होता है, तो कभी कभी वीडियो भी उसकी मतलब क्वालिटी ऐसी होती है कि वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, तो बंदा लिरिक्स नहीं देख पाता। जैसे कि इस वीडियो में हो रहा था कि मेरा बार बार ध्यान जो था ना वो लिरिक्स के बजाय इनकी परफॉर्मेंस और वीडियो के ग्राफिक्स पे जा रहा था। तो बीच में वो कहते हैं ना, इतनी देर में ट्रेन निकल जाती थी तो चीज़ें स्किप हो जाती थी। लेकिन अच्छा सॉन्ग था वो, ऐसा सॉन्ग है जो जिस पर बंदा ना ऐसे ऐसे झूमने पे मजबूर हो जाए, तो मज़ा आया। लेकिन मैं इसे दोबारा देखूँगा। उसकी वजह ये है कि समझ भी तो आनी चाहिए ना कि मतलब DNA की बात हो रही थी तो क्यों हो रही थी। आधी बात तो समझ में आ गई है, लेकिन वो कहते हैं ना आधी बात समझ में आई हो और आधी ना आई हो तो बंदा कुछ का कुछ ही बना देते हैं। और हम कोई ऐसी वैसी बात कहना नहीं चाहते कि बिला वजह से जो है ना हम किसी मेंबर को BTS आर्मी के हर्ट करने के। कुछ लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि यार बंदा है, इसको अभी नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन कुछ जो हैं वो जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती लोग जो होते हैं ना वो फिर वो अपने जज्बात का बड़ा अच्छा इजहार करते हैं। लेकिन खैर है जी, सॉन्ग अच्छा था, वीडियो क्वालिटी अच्छी थी, और क्योंकि अभी इसी ईयर में रिलीज़ हुआ है तो इस वजह से जो है ना इसके रीमेक, या रीमेक इस सेंस में नहीं कि सॉन्ग का रीमेक, लोग जो खुद अपलोड करते हैं लिरिकल वीडियोस वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की डायरेक्ट लिरिक्स जो थी वो आपको पता है उनकी क्वालिटी कैसी होती है, वो कुछ का कुछ बना रही होती हैं। लेकिन हम देखेंगे जी, सॉन्ग अच्छा था। आप इस तरह का कंटेंट मज़ीद हमें सजेस्ट करते रहें, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा जी कैसा लगा आपको रिएक्शन, और कमेंट में ज़रूर हमें सजेशन दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।